बेटा पेज नंबर 11 और पेज नंबर 11 पर सेकंड पैराग्राफ देखिए। माय ग्रैंडमदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी। मेरी दादी माँ हमेशा मेरे साथ स्कूल जाती थी। क्वेश्चन ये बनेगा, व्हाई डिड द राइटर्स ग्रैंडमदर गो टू स्कूल विद हिम। लेखक की दादी माँ लेखक के साथ स्कूल क्यों जाती थी? जवाब आपको ढूंढना है, यहां से मिलेगा आगे वाली दो लाइन से। माय मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी। मेरी दादी माँ मेरे साथ स्कूल जाती थी। बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच्ड टू द टेम्पल, क्योंकि मेरा जो विद्यालय था वो एक मंदिर से अटैच था। मतलब स्कूल और मंदिर एक ही था, एक हिस्से में स्कूल एक हिस्से में मंदिर, अटैच का मतलब वही होता है। तो लेकर कहता है मेरी दादी माँ मेरे साथ स्कूल जाती थी क्योंकि मेरा जो स्कूल था वो मंदिर से अटैच था। द क्राइस्ट टॉट अस द अल्फाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर। जो पुजारी हुआ करता था मंदिर का वो हमें अल्फाबेट पढ़ाता था, कहने का मतलब वर्णमाला सिखाता था, और वर्णमाला सिखाने के साथ साथ मॉर्निंग प्रेयर पढ़ाया करता था, सिखाया करता था। व्हाइल द चिल्ड्रन सेट इन रोज ऑन आइदर साइड ऑफ द बरामदा। जब बच्चे बरामदे में दोनों तरफ लाइन लगाकर बैठ जाते थे, जैसे ये बरामदा है तो बरामदे में एक तरफ लाइन इधर होती थी, एक तरफ लाइन इधर होती थी, दो लाइन होती थी, आमने सामने मुंह करके बैठ जाते थे। जब बच्चे बरामदे में दोनों तरफ लाइन लगाकर बैठ जाते थे, सिंगिंग द अल्फाबेट और प्रेयर इन कोरस, यानी कि प्रार्थना और वर्णमाला को कोरस का मतलब होता है समूह में, समूह गान। जब समूह में गान किया करते थे, बोला करते थे, कहने का मतलब बच्चे बरामदे में दोनों लाइन में बैठकर जब समूह में वर्णमाला का उच्चारण करते थे या फिर मॉर्निंग प्रेयर बोलते थे, माई ग्रैंड मदर सेट इनसाइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स। उस समय मेरी दादी माँ अंदर की तरफ बैठ जाया करती थी। मंदिर का जो आंतरिक हिस्सा है उस अंदर की तरफ मेरी दादी माँ बैठ जाती थी, और वो क्या करती थी, क्या करती थी, रीडिंग स्क्रिप्चर्स, मंत्र पढ़ना, धार्मिक अनुष्ठान के कोई उच्चारण करना। तो मेरी दादी माँ बैठकर अंदर अपनी धार्मिक पूजा पाठ कर लेती थी। दोनों चीजें क्लियर हो गई। लेखक कहता है कि स्कूल जो था वो किसी मंदिर से अटैच था, मंदिर और स्कूल एक ही था। जब बच्चे बाहर बरामदे में बैठे, गेट को बंद करें, कौन जा रहा है, तो जब बच्चे बरामदे में दोनों तरफ लाइन बनाकर और समूह में वर्णमाला और मॉर्निंग प्रेयर बोलते थे, उस समय मेरी दादी माँ मंदिर में अंदर की तरफ बैठ जाती थी और अपना पूजा पाठ करती थी। When we had both finished, जब हम दोनों फ्री हो जाते, हम दोनों का काम समाप्त हो जाता, दोनों का किनका, मेरा और मेरी दादी माँ का, मतलब मेरी पढ़ाई का काम पूरा हो जाता और मेरी दादी माँ का पूजा पाठ का काम पूरा हो जाता, we would walk back together, तो हम दोनों साथ साथ वापिस आ जाते थे, हम दोनों साथ साथ वापिस आ जाते थे, कहने का मतलब फिर से हमारे घर के लिए रवाना हो जाते थे। This time the village dogs would meet us at the temple door. इस बार क्या होता कि जो गांव के कुत्ते होते, गांव के कुत्ते, वो मंदिर के दरवाजे पर हमें मिलते थे। जब हम वापिस घर लौटने के लिए रवाना होते तो गांव के कुत्ते हमें मंदिर के दरवाजे पे मिलते थे। They followed us to our home.
ग्रॉलिंग एंड फाइटिंग, और वो गांव के कुत्ते ग्रॉलिंग का मतलब डुराते हुए, फाइटिंग का मतलब लड़ते हुए विद ईच अदर एक दूसरे से, और वो गांव के कुत्ते एक दूसरे पर डुराते हुए एक दूसरे से लड़ते हुए हमारे पीछे पीछे हमारे घर तक आ जाते थे। क्यों लड़ते थे, क्यों डुराते थे? फॉर द चपातीज वी चू टू देम, उन चपातीज के लिए जो चपातीज हम उनको फेंकते थे। यानी जब हम वापस आने के लिए रवाना होते और मैं और मेरी दादी माँ स्कूल से या मंदिर से बाहर निकलते तो दरवाजे पर हमें गांव के कुत्ते मिलते। फिर हम क्या करते, धीरे धीरे उनको एक एक रोटी फेंकते हुए आते, डालते हुए आते, और वो जो गांव के कुत्ते थे वो एक दूसरे पर गुर्राते हुए एक दूसरे से लड़ते झगड़ते हुए उन रोटियों के लिए हमारे पीछे पीछे हमारे घर तक आ जाते थे, क्योंकि एक साथ रोटी नहीं डालते थे। रात में एक रोटी डाल दी, फिर उसको खाते खाते वो हमारे पीछे आएंगे, फिर थोड़ी दूर गए और फिर हमने एक रोटी फेंकी, इस प्रकार से वो हमारे पीछे पीछे आ जाते थे। When my parents were comfortably settled in the city, ध्यान देना बेटा यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा होगा। When my parents were comfortably settled in the city, जब मेरे माता पिता शहर के अंदर आरामदायक तरीके से सेटल हो गए, जब मेरे माता पिता आरामदायक तरीके से शहर में सेटल हो गए, they sent for us, तो उन्होंने हमें बुलवा लिया। मतलब मेरे को और मेरी दादी माँ को भी कहाँ बुला लिया, शहर में बुला लिया, सिटी में बुला लिया रहने के लिए। That was a turning point in our friendship, और ये हमारी मित्रता में एक टर्निंग पॉइंट था, एक परिवर्तन का बिंदु था। क्वेश्चन बनता है what was the turning point in the friendship of the writer या friendship between the writer and his grandmother? लेखक और उसकी दादी माँ के बीच में जो मित्रता थी उस मित्रता का टर्निंग पॉइंट क्या था, क्या था टर्निंग पॉइंट? शहर चले गए। हाँ, तो जवाब कैसे लिखेंगे? मूविंग टू द सिटी हाउस, मूविंग टू द सिटी हाउस बाय द राइडर एंड हिज ग्रैंडमदर एंड सेटल्ड देयर या टू लिव देयर in future was a turning point in their friendship. ये उनकी friendship में turning point था। Although we shared the same room, हालांकि मैं और मेरी दादी माँ वहाँ शहर में भी एक ही कमरा share करते थे, मतलब दोनों एक ही कमरे में रहते थे। My grandmother no longer come to school with me, लेकिन अब मेरी दादी माँ मेरे साथ स्कूल नहीं आती थी। गांव में तो मेरी दादी माँ मेरे साथ कहाँ जाती थी, स्कूल जाती थी, लेकिन अब शहर में आने के बाद मेरी दादी माँ मेरे स्कूल नहीं आती थी। आई यूज टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन द मोटर बस, क्योंकि मैं एक अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय में मोटर बस में जाया करता था, बेहतर जाया करता था। एक बेटा इसमें क्वेश्चन बनता है जो बड़ा भी हो सकता है, सात नंबर, और क्वेश्चन क्या है, व्हाट चेंजेस इन द एक्टिविटीज ऑफ ग्रैंडमदर to place after having settled in city house. शहर के घर में सेटल होने के बाद दादी माँ का जो एक्टिविटीज थी, मतलब दिनचर्या, रूटीन अपन कह सकते हैं, उसके रूटीन में क्या परिवर्तन आया? तो पहली बात तो she no longer went to the school with the writer. अब वह लेखक के साथ स्कूल नहीं जाती थी, ये परिवर्तन आया। और देखिए क्यों नहीं जाती थी, बिकॉज द राइटर यूज टू गो टू द स्कूल इन अ मोटर बस, देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट्स, वहां शहर में गलियों में कुत्ते नहीं थे, एंड शी टुक टू फीडिंग स्पैरोज इन द कोर्टयार्ड ऑफ अवर सिटी हाउस, और वो हमारे शहर के घर में या शहर के घर का जो कोर्टयार्ड था, जो आंगन था, उस आंगन में स्पैरोज को खाना खिलाती थी। तो दिस वाज द सेकंड चैलेंज, गांव में वो क्या करती थी, गांव के कुत्तों को खाना खिलाती थी, और या शहर में किसको खाना खिलाती थी, स्पैरोज, जो छोटी चिड़िया होती है, वो चिड़ियाओं को वो खाना खिलाती थी। एज द इयर्स रोल्ड बाय, जैसे जैसे वर्ष व्यतीत होते गए, we saw less of each other.
वैसे ही हमने एक दूसरे को देखना यानी कि मिलना कम कर दिया। पहले तो दादी माँ और मैं 24 घंटे ही साथ रहते थे, साथ ही स्कूल जाते थे, साथ ही स्कूल से आते थे, साथ ही सोते थे, साथ ही पीते थे, साथ ही बैठते थे। अब दादी माँ और मेरे और मेरा एक दूसरे को देखना भी समय के साथ साथ कम हो गया। For some time she continued to back me up and get me ready for school. शहर आने के बाद भी कुछ समय तक तो मेरी दादी माँ मुझे सुबह सुबह रोजाना जगाती और स्कूल के लिए तैयार करती। यानी शहर आने के बाद भी एक काम तो उसने कुछ समय तक किया कि मुझे सुबह जगाना और स्कूल के लिए तैयार करने का काम वो करती थी। When I came back, she would ask me what the teacher had taught me. जब मैं स्कूल से वापस लौट कर आता तो मेरी दादी माँ मुझसे पूछती कि अध्यापक ने मुझे क्या पढ़ाया। मतलब she wanted to get the information, knowledge about the studies that had been taught to me there that day in the school. उस दिन स्कूल में मुझे जो कुछ पढ़ाया वो मेरी दादी माँ घर आने के बाद में मेरे से पूछ ली। I would tell her English words, मैं उसको अंग्रेजी के कुछ शब्द बताता and little things of western science. Little things of western science. और पश्चिमी विज्ञान के बारे में कुछ बताता, पश्चिमी विज्ञान की कुछ चीजों के बारे में बताता। देखिए लेकर क्या बताता, एंड लर्निंग द लॉ ऑफ ग्रेविटी, मैं उसको गुरुत्वाकर्षण के नियम के सीखने के बारे में बताता कि हमें वहां गुरुत्वाकर्षण का जो नियम होता है लॉ ऑफ ग्रेविटी वो सिखाया जाता है। मैं मेरी दादी को बताता अल्टीमेट प्रिंसिपल द वर्ल्ड बीइंग राउंड, और अल्टीमेट का मैं उसको सिद्धांत बताता कि हमें ये बताया जाता है कि संसार गोल होता है यानी कि पृथ्वी गोल है। ये चीजें मैं उसको बताता, दिस मेड हर अनहैप्पी, और ये मेरी दादी माँ को दुखी कर देती थी। इससे मेरी दादी माँ नाखुश हो जाती थी। अब क्वेश्चन एक ये बनता है, व्हाट थिंग्स टोल्ड बाय द राइटर मेड द ग्रैंडमदर अनहैप्पी, लेखक के द्वारा कौन सी बताई हुई चीजें दादी माँ को नाखुश करती थी। तो आप क्या कहोगे, समथिंग डिस्क्लोज्ड बाय द राइटर अबाउट हिज स्टडी Just like laws of gravity and Archimedes principle of world being round made grandmother unhappy. लेखक के अपने पढ़ाई से संबंधित कुछ चीजें जैसे कि और एज से साथ अपने इसको कनेक्ट कर दिया। आप क्या हो, जैसे इस बच्चे ने बोला वेस्टर्न साइंस, थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस लाइक, वो चीजें उसको दुखी कर देती थी। यदि क्वेश्चन पूछे कि क्यों कर देती थी तो देखिए, शी कुड नॉट हेल्प मी दिस मैटर अनहैप्पी, शी कुड नॉट हेल्प मी विद माय लेसंस। फर्स्ट थिंग, व्हाट वाज द कॉज ऑफ अनहैप्पी, बिकॉज दे वर द सब्जेक्ट्स द ग्रैंडमदर वाज अनेबल टू गिव एनी काइंड ऑफ हेल्प टू हिज ग्रैंडसन रिगार्डिंग टू स्टेट, क्योंकि दादी माँ अध्ययन से संबंधित अपने पोते को किसी भी प्रकार की हेल्प देने में असमर्थ थी। दादी को क्या पता क्या ग्रेविटी होती है, दादी को क्या पता क्या आर्किमिडीज का सिद्धांत है। दूसरी बात, सी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स, दादी माँ को इन चीजों में विश्वास नहीं था। दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल एंड वॉज डिस्ट्रेस्ड दैट देयर वॉज नॉट टीचिंग अबाउट गॉड एंड द स्क्रिप्चर्स। दादी माँ को इन चीजों में विश्वास नहीं था कि गुरुत्वाकर्षण की शक्ति का कोई नियम है या फिर आर्किमेड का कोई सिद्धांत है, जो भी वेस्टर्न साइंस से संबंधित कोई चीजें थी उस पर उसको विश्वास नहीं होता था। और उसका मानना था कि वे लोग हमें अंग्रेजी स्कूल में भगवान और स्क्रिप्चर्स, कहने का मतलब धार्मिक साहित्य और जो पूजा पाठ होते हैं उनकी शिक्षा हमें नहीं देते। और पुराने लोग तो चाहते हैं कि यही चीजें हो, तो इस बात से वो परेशान होती थी। ये परेशान होने का उसका मुख्य कारण था, एक तो सी डिडंट बिलीव द थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड थॉट दैट
his grandson was going to be given an important lesson. And second thing, she realized herself unable to give any kind of help to his grandson, to her grandson regarding to lessons. One day I announced that we were being given music lessons. एक दिन मैंने अपनी दादी को बड़ी खुशी से बताया, दादी दादी अब तो हमें संगीत के पाठ भी पढ़ाए जाएंगे, हमें संगीत के लेसन भी पढ़ाए जाएंगे. When the writer disclosed that he would be given or they would be given the lessons regarding to music, संगीत से संबंधित अब उनको शिक्षा दी जाएगी. She was very disturbed. तो वो बहुत ज्यादा disturbed हो गई. यहां देखिए आपको एक क्वेश्चन बनेगा, What made the grandmother disturbed much? दादी माँ को कौन सी चीज ने डिस्टर्ब कर दिया था, व्यवधानित कर दिया था, एक प्रकार से विचलित कर दिया था? तो अब म्यूजिक है ड्यूड एसोसिएशन, क्योंकि उसके लिए जो संगीत था वो निम्न स्तर का एसोसिएशन था. निम्न स्तर जानते हो ना, निम्न श्रेणी, ये जो मांगने वाले लोग होते हैं, भिखारी लोग होते हैं, वो मानती थी कि म्यूजिक इट्स ओनली फॉर देम, फॉर द पीपल लाइक देम. उसका ऐसा मानना था कि इस प्रकार के लोगों के लिए होता है संगीत. तो दादी माँ ने क्या सोचा, जब मैंने कहा कि अब हमें संगीत की शिक्षा दी जाएगी तो वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गई, विचलित हो गई. और एक क्वेश्चन बनेगा बेटा, जो पहले भी बोर्ड के एग्जाम में आया है, व्हाट वर द ग्रैंडमदर्स ओपिनियंस रिगार्डिंग टू म्यूजिक. है तो आपको जवाब देना पड़ेगा, आपको उत्तर लिखना पड़ेगा कि दादी माँ म्यूजिक से संबंधित उसके विचार क्या थे. तो देखिए क्या मानती थी, टू हर म्यूजिक हैड ल्यूड एसोसिएशन, इट वॉज द मोनोपोली ऑफ मार्लोस एंड बेगर्स. वे मानती थी कि ये जो म्यूजिक है ये बेगर्स और हार्लोट्स का क्या है, एक मोनोपोली है, इन्हीं के लिए बना है. बेगर्स का मतलब तो भिखारी, और हार्लोट्स आपने देखा होगा, देखो भिखारी में और हार्लोट्स में थोड़ा सा अंतर होता है, थोड़ा सा. भिखारी बिना कुछ सुनाए भी आपको, आपसे मांग लेगा और आप उसको दे देंगे. लेकिन जो हार्लोट्स होते हैं, जिनको अपन घुमक्कड़ लोग कहते हैं, जो संगीत सुनाकर, जैसे ट्रेन के अंदर कोई गाकर पैसे लेने वाला, और गांव में आपने देखा होगा एक समाज होता है भोपा, वो भोपा अपनी जो पत्नी होती है जिसको भोपी कहते हैं, उसके साथ गांव में घर घर घूमकर और संगीत सुनाकर और फिर बाद में खाना वगैरह अनाज वगैरह मांगता रहता है. तो दादी माँ का मानना था कि ये जो संगीत है ये इस प्रकार के समाज के लिए है. सी थॉट इट वॉज The monopoly of the harlots and beggar and not meant for gentle form. उसका मानना था कि ये सभ्य समाज के लिए नहीं है, या gentle form का मतलब है सभ्य समाज, आदर समाज के लिए नहीं है ये. दादी माँ का ऐसा मानना था. She said nothing but her silent meant disapproval. हालांकि दादी ने कुछ नहीं कहा मेरे को संगीत के बारे में, लेकिन उसकी चुप्पी जो थी, उसका चुप रहना ही उसकी तरफ से disapproval था. कहने का मतलब डिसअप्रूवल, यानी उसके लिए मानना नहीं था, अमान्य था. सी रेयरली टॉक्ड टू मी आफ्टर दैट. उस दिन के बाद तो दादी माँ ने मेरे से बात करना ही बहुत कम कर दिया. उस दिन के बाद से दादी माँ ने मेरे से बात करना ही क्या कर दिया, बहुत कम कर दिया. व्हेन आई वांट टू यूनिवर्सिटी, इसके बाद में जब मैं विश्वविद्यालय गया, I was given a room of my own. तब मुझे अपना खुद का एक कमरा दिया गया घर में. तब मुझे घर में अपना खुद का कमरा दिया गया. The common link of friendship was snapped. और हमारी मित्रता का एक सामान्य सा जो लिंक था, जो संबंध था, वो भी क्या हो गया, खत्म हो गया.
देखिए क्या होता है कि यूनिवर्सिटी में जब बच्चा पढ़ने के लिए जाता है या चला जाता है, मतलब जब उसकी सीनियर हो जाती है और यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाता है या फिर ग्रेजुएशन होने के बाद में यूनिवर्सिटी में दाखिला लेता है, तो घर वाले ये समझते हैं कि इट्स द टाइम फॉर पीवीसी ऑफ द स्टूडेंट। उनका ये मानना है कि स्टूडेंट जो है उसको पीवीसी की जरूरत है, उसका अपना एकांतवाद होना चाहिए, एकांत होना चाहिए, उसकी प्राइवेट क्या होनी चाहिए, प्राइवेट लाइफ होनी चाहिए, और हो सकता है कि बहुत सारे उसके सीक्रेट्स हैं जो उस तक सीमित रहे, इस प्रकार की पीवीसी उसको दी जाती है, तो उसको एक अलग रूम दे दिया जाता है। और देखिए इस प्रकार की पीवीसी जो होती है वो शहरी जो जीवन होता है उसी में होती है, गांव में इसकी जरूरत नहीं पड़ती। गांव में 10-12 तो चाची और ताई और बुआ ये सब के सब एक जगह ही सो जाती है। यदि एक घर में 40 आदमी रहते हैं तो पुरुष 20-22 बार सो रहे हैं, जिसको बुआड़ी कहते हैं, और महिलाएं या तो छत पे चली गई या अंदर एक बड़ा चौक होता है, आंगन होता है, वहां सब सो रही है एक साथ, वहां पीवीसी की जरूरत नहीं होती। बच्चे जो है वो भी अपने घर वालों के साथ है। और देखिए मैं आपको एक बात और बताऊं, इस पीवीसी का ही, ये जो आपको पीवीसी दी जाती है शहरी जीवन में, इसी का परिणाम है कि वो अटैचमेंट उनके माता पिता के साथ उनका रहता नहीं है। आज आप देखिए जितने भी जो केसेस हैं जिसके अंदर पेरेंट्स जो हैं, यदि उनको वास्तव में उनके माता उनके बच्चों से प्यार नहीं मिलता है तो वो वही है जिनको पीवीसी चाहिए। अब मैं कह रहा हूं कि ये भाई पीवीसी की क्या जरूरत है, बच्चा अपने बाप के साथ क्यों नहीं सो सकता, सो सकता है। और पीवीसी भी कैसी, अलग कमरा दे दिया, एक तरफ माधु जी की फोटो लगा दी, एक तरफ करीना की लगा ली, एक तरफ किसी गुरु की लगा ली, अब उसका अटैचमेंट सिर्फ इन फोटोज के साथ ही है, उनके साथ आई नहीं, पेरेंट्स के साथ आई नहीं, जरूरत ही नहीं है। तो लेखक कहता है कि जब मैं यूनिवर्सिटी में गया तो मेरे को एक सेपरेट रूम दे दिया गया, अपना खुद का कमरा दे दिया गया, और फिर जो हमारी फ्रेंडशिप का एक कॉमन लिंक था वो भी स्नैप्ड हो गया। आई वॉन्ट टू आस्क व्हाट वॉज द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन द राइटर एंड हिज ग्रैंडमदर। लिविंग इन द सेम रूम, कैसे लिखे इसको, ऐसे लिखे क्या, लिविंग इन द सेम रूम, देखिए शेयरिंग का रूम या रूम शेयरिंग, आप वर्ड का यूज करेंगे, शेयरिंग का रूम और रूम शेयरिंग वॉज द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन द राइटर एंड हिज ग्रैंडमदर, and it was snapped quite easily when the writer was given a separate room in his house in city when he started to go to university for further education। तो इसका जवाब होगा, नगाइन कर लेना, पहले भी क्वेश्चन आया है। My grandmother accepted her situation with resignation, और मेरी दादी माँ ने भी इस परिवर्तन को बड़ी आत्मीयता के साथ स्वीकार कर लिया। उसने इसको बड़ी आत्मीयता के साथ स्वीकार कर लिया। सी रेयरली लेफ्ट हर स्पाइनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन। दादी माँ क्या करती, पूरे दिन बैठकर चरखा चलाती थी। क्या चलाती थी, अब वो किसी से बात करने के लिए कभी भी अपना चरखा रोकने की जहमत नहीं, वो कभी भी अपना चरखा रोकना ही नहीं चाहती थी किसी से बात करने के लिए। बेटी बेटी चरखा चला दिए, उसका बेटा आ गया, मतलब राइटर के फादर वहां आ गए, तो उसके मन में ऐसा नहीं है कि मेरा बेटा आया है थोड़ी देर में इससे बात कर लूं, या फिर मेरी बहू है थोड़ी देर इससे बात कर लूं, या फिर मेरा पोता जो कि यूनिवर्सिटी से आ गया है पढ़कर आ गया है, कम से कम उसके साथ तो उसका बहुत अटैचमेंट था, मैं उसके साथ बैठकर थोड़ी देर बातें कर लूं और कुछ कर लूं, नो। दादी ने भी इस परिवर्तन को पूर्ण रूप से स्वीकार कर लिया और अब वो पूरे दिन बैठकर चरखा चलाती थी, किसी से बात करने के लिए कभी चरखा रोकना उसको कभी चरखा नहीं रोकती थी।
From sunrise to sunset she sat by her wheel. सूर्य उदय से लेकर सूर्यास्त तक वो अपने चरखे के साथ बैठी रहती spinning and reciting prayers. चरखे को चलाती रहती और अपनी प्रार्थना करती रहती. Only in the afternoon she relaxed for a while. सिर्फ दोपहर बाद का जो समय होता था उस समय थोड़ी देर के लिए वो रिलैक्स होती थी. दोपहर बाद के टाइम थोड़ी देर के लिए वो रिलैक्स होती थी टू फीड द स्पैरोस. और वो रिलैक्सेशन किसके लिए होता था? स्पैरोस को खाना खिलाने के लिए. यहां से एक अपन थोड़ा सा अलग से क्वेश्चन लेंगे, अभी मैं लिखूंगा आपको, और एक पहले भी बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, What were the happiest moments in the life of the grandmother? दादी माँ के जीवन में सबसे ज्यादा पसंदता वाले मोमेंट्स क्षण कौन से थे? किसको मानती थी वो सबसे ज्यादा पसंदता वाले क्षण? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पहले भी पुट अप हुआ है. तो व्हाइल शी सैट इन द बरामदा बेकिंग द ब्रेड इनटू लिटिल बाइट्स, जब वो बरामदे में बैठी होती थी, रोटी को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा करती थी, मतलब जब बरामदे में बैठकर चिड़ियों के लिए वो रोटी को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ती थी, hundreds of little birds collected round her, creeping a vertical webbing of trees. तो सैकड़ों की तादाद में जो छोटी छोटी चिड़ियां होती थी वो अर्धवर्ताकार आकार में आकर उसके चारों तरफ मतलब तीन तरफ बैठ जाती और चहचहाती थी. कहने का मतलब जब ग्रैंड मदर छोटे छोटे टुकड़ों में रोटी के टुकड़े करती उन चिड़ियाओं के लिए, तो चिड़ियाएं आकर क्या करती? उस दादी माँ के तीन तरफ बैठ जाती. दादी माँ को एक प्रकार से अर्धवर्ताकार घेरा बना लेती और सम कैम एंड पैस्ड ऑन हर लेग्स, कुछ तो आकर उसके पांवों पे बैठ जाती, अदर्स ऑन हर शोल्डर्स, कुछ चिड़ियाएं उसके कंधों पर बैठ जाती, सम इवन सैट ऑन हर हेड, यहां तक कि कुछ तो आकर उसके सर पे बैठ जाती. सी स्माइल, और उनके बैठने के उपरांत वह सिर्फ मुस्कुराती. बट नेवर शूट देम अवे, लेकिन कभी भी उनको डांटकर दूर नहीं उड़ाया या भगाया. It used to be the happiest half hour of the day for her. ये उसके जीवन में आधे घंटे का समय सबसे ज्यादा प्रसन्नता वाला समय हुआ करता था. समझ में आ गई बात? क्वेश्चन लिखो इसके फटाफट लिखना बेटा, टाइम मेरे पास है सिर्फ 4 मिनट. क्वेश्चन लिखिए नंबर 1 बेटा, ले नंबर 1. Why did the grandmother build the raja? Why did the turning point from the friends before?
been the writer and एक बार रुबीन की स्पेलिंग क्या होती है आर ओ यू टी आई एन ऑफ द ग्रैंडमदर इन सिटी हाउस बेटा एक क्वेश्चन और मैं इसमें दे दूं आपको अलग से हाउ कैन यू से दैट द ग्रैंड मदर लव स्पैरो मच हाउ कैन यू से
grandmother. Love square root. बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से. एवरी स्क्रीनशॉट एंड टेल मी हैव यू डन और नॉट. हरी अप हरी अप. वी हैव नो टाइम. मीटिंग इज गोइंग टू बी कंप्लीटेड. Thank you.